आज के संदर्भ में जो हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो किसानों के एक रीढ़ है, और क्योंकि ये एक मायने में नहीं बहुत से मायनों में ये हमें मिल्क मीट बाकी जो प्रोडक्ट्स देता है जो कि न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो हमारे हेल्प करता ही करता है, पर ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे कि एक इनकम जो होती है एक रेगुलर बेसिस पे आती है, वो किसान उसको यूज करके अपने डेली नीड्स को दूसरी डेली नीड्स को खरीद सकते हैं, बच्चों की फीस दे सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस दे सकते हैं। उसके साथ साथ जब अगर हम देखें तो एनिमल जो है वो एक आप ये कहिए एक रिप्रोड्यूसिबल एसेट्स है जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट क्या कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। तो इसको चाहे वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे वो हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं औरतें हैं, वो सब इसको ओन कर सकते हैं और उस अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो कर सकती हैं। और सबसे बड़ी इसमें जो एक चैलेंज है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हमारा जो लाइव स्टॉक की जो प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, और हमारे यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जो ग्रोथ जो हमारे अभी हो रही है कुछ में अगर जगह देखेंगे आप सीप गोट या आपकी जो क्रॉस ब्रेड काउ में मिल्क प्रोडक्शन वो ग्रोथ है इंक्रीज इन पॉपुलेशन से आ रही है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी से नहीं आ रही है, और उसके कारण है। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उसमें वहाँ किस तरह की रिसर्च की हमें ज़रूरत है तो कि जो यील्ड बैरियर है उसको कर सके। दूसरी प्रॉब्लम एक है जो किसानों के लिए मैं समझता हूँ, किसानों के पास लाइव स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो गुड हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है। हमारा जो गवर्नमेंट का पीछे जो एक सर्वे हुआ उसके हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5% फार्मर किसान ही ऐसे हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। और ऐसा क्यों है वो एक बहुत ज़रूरी है कि ठीक है गवर्नमेंट ने अभी एक लाइव स्टॉक एक्सटेंशन मिशन शुरुआत की है, पर क्या उस मिशन के तहत जो हमारे जो 60% किसान हैं लाइव स्टॉक हस्बेंड्री में एंगेज हैं हम उनके पास पहुँच सकते हैं क्या, 5% से उसको हम जो 50% तक की उसको पहुँचा सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में बहुत क्रूशियल होगा कि किसानों को उनके फीडिंग प्रैक्टिसेज हैं, हेल्थ प्रैक्टिसेज हैं, उनके बारे में एक सही इन्फॉर्मेशन किसानों को टाइम पे पहुंचाई जाए, क्योंकि एनिमल को आप देखिए आदमी को देखिए तो ये जीवित होने की वजह से उनको टाइम टू टाइम केयर चाहिए, और उस केयर के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो वेटनरी स्टाफ है वो इसके लिए डेडिकेटेड हो, जो कि नहीं है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी क्या है कि हमें गवर्नमेंट को जो चाहिए एक इम्फेसिस देना चाहिए। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो कोई भी डिजीज आउटब्रेक होता है कुछ भी होता है हम क्यूरेटिव को ही ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव कंट्रोल अगर उससे पहले ही अगर हो जाता है, है वैक्सीनेशन वगैरह करके अगर हम उसको कर सकते हैं तो वो उससे उसके जो बेनिफिट जो है वो प्रिवेंटिव कंट्रोल से भी बहुत ज़्यादा होंगे। और अब एक उसके साथ साथ देखें तो हमारा जो ग्लोबल मार्केट में वो भागीदारी भी बढ़ रही है, जहाँ आज हम बफेलो मीट के या बोवाइन मीट के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड में, तो उसके साथ जैसे मैंने कहा प्रिवेंटिव कंट्रोल वो बहुत ज़रूरी है कि फूड सेफ्टी इश्यूज़ को लेके उन चीज़ों को करें। गवर्नमेंट को एक और जो करने की ज़रूरत है छोटी छोटी चीज़ें लाइव स्टॉक, मैं नहीं कहता कि लाइव स्टॉक सेक्टर को आप सब्सिडी दो इंसेंटिव दो, इसमें जो पॉलिसी डिस्टोर्शंस हैं आप उनको ठीक कर दीजिए। अब पोल्ट्री से जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, जबकि पोल्ट्री को हम एनिमल इसका लाइफ एग्रीकल्चर का एक कंपोनेंट मानते हैं। डेयरी के लिए अगर कोई फार्मर प्लांट लगाना चाहता है, डेयरी फार्म एस्टेब्लिश करना चाहता है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो इंडस्ट्रियल रेट से लगती है, जबकि एग्रीकल्चर पे वो उस तरह का नहीं होता है। क्रेडिट है लाइफ स्टॉक को बहुत ही कम जाता है, जो टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसका 5% लाइफ स्टॉक सेक्टर को जाता है, और वो भी एक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, मैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहता हूँ तो इसका मतलब है कि वो क्रेडिट आपको एनिमल खरीदने के लिए या उसके लिए कैटल शेड वगैरह बनाने के लिए दिया जाता है, न कि उसके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनके लिए नहीं दिया जाता है। जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दापिए कि एक एनिमल को रेज करने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी आती है जितनी एक हेक्टेयर व्हीट या राइस को पैदा करने में आती है। जब राइस एंड व्हीट के लिए हम क्रॉप लोन दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन दे सकते हैं, तो हम एनिमल को भी क्यों नहीं देते हैं? इसी तरह से जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ क्रॉप्स के लिए ही हम देते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए उनके लिए क्यों हम नहीं देते, उसके लिए भी थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं
कितना इंश्योरेंस है, बहुत ही कम है, इट इज़ ए पीनट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, वाई दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। और वो जो भी आ रही हैं दे आर बायस टूवर्ड्स हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, वो उस तरफ उनकी तरफ ध्यान नहीं। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, फार्मर्स को एक मार्केट चाहिए, और वो मार्केट कौन दे सकता है? प्राइवेट से, जैसे आप देखिए डेयरी कोऑपरेटिव्स का है, वो बेसिकली डेयरी कोऑपरेटिव्स का जो टोटल प्रोक्योरमेंट है उसका 55% दो स्टेट से आता है, गुजरात और कर्नाटक। उनका मिल्क प्रोडक्शन में शेयर है 12%। अब पूरा ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहाँ कोऑपरेटिव नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और वो स्टेट्स जो कि पुअर स्टेट्स हैं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ एंट्री नहीं करता है कि वहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा, जबकि वहाँ पे एक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह की कुछ जो पॉलिसी इश्यूज हैं, डिस्टॉर्शंस हैं, उनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में लाइव स्टॉक का जो शेयर है इनकम में वो और भी बढ़ेगा। उसका रीज़न है क्योंकि हमारी जो डिमांड है जो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की, चाहे वो मिल्क हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मीट है, उनकी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। जो दूसरी तरफ जो फूड ग्रेन्स है, सीरियल्स, उनके जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया है। तो इस तरह की अगर डिमांड ड्रिवन ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन में भी ग्रोथ आनी है, और उसके लिए इन सब पॉलिसी डिस्टॉर्शन या कंस्ट्रेंट्स जो है लाइव स्टॉक सेक्टर पर, उनको एलिवेट करना बहुत ज़रूरी है।